अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि मुल्क के हालात पर बात की जाए। मुल्क के हाल अहवाल तो आपको बेहतर पता है, मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि मुल्क में जो है डॉलर 150 रुपये था तो अचानक 200 से ऊपर, मतलब यानी कि 260 रुपये से 70 रुपये से ऊपर कैसे चला गया, हालात क्या बता रहे हैं। चीनी 80 रुपये की थी तो 160 रुपये कैसे चली गई। आटा जो है कि तकरीबन यानी कि 3200 रुपये, 3100-3200 रुपये पर जो है 20 केजी कैसे चला गया, किस तरह से 20 केजी आटा जो है 3100-3200 पर चला गया। तो हालात तो मुल्क के ऐसे चल रहे हैं कि अगर आप आज के दौर में अगर आप अपनी सैलरीज देखेंगे तो उससे पता चलेगा कि हमारे मुल्क में तबाही किस तरीके से चल रही है, किस तरह से माशी तौर पर हमारा मुल्क तबाह हो रहा है, हमारे मुल्क में माशी हालात किस तरह से ख़राब हो रहे हैं। क्या इन सब चीज़ों पर कोई बात करने वाला, कोई पूछने वाला है? मेरे ख्याल से तो नहीं है। आवाम इस बारे में कहाँ क्या बोलती हुई नज़र आती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आवाम बोलती है कि भाई रोज़गार नहीं है। भाई रोज़गार तो वाकई में नहीं है, रोज़गार पैदा करने के ज़राए कहाँ हैं। अब जैसे मैं अभी बीच में जो है बजट आया, बजट में जो है मैं पढ़ रहा था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या फिर जो है एहसास प्रोग्राम के लिए इतना इतना फ़ंड मुख्तस कर किया गया। अबे भाई वो तो फ़ंड अगर आप मुख्तस कर रहे हैं, यानी कि अगर 400 अरब रुपए इस तरह से अगर आप यानी कि इतनी बड़ी रकम, खतीर रकम जो है आप यानी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में देंगे, तो भाई 450 फैक्ट्रीज़ अगर आप लगा देंगे हर शहर में या छोटे छोटे कारखाने लगाने की इजाज़त दे देंगे घर घर में, तो मुल्क की मईशत तो फिर भी स्टेबल हो जाएगी और उस पर कोई काम ख़ास तौर पर नहीं किया जा रहा है। लेकिन डॉलर जिस तरीके से बढ़ रहा है यहाँ पर, तो ऐसा है ना कि लोगों के पास उनके अपने डॉलर्स अकाउंट हैं और वो फिर उसके बाद जो है वो यानी कि कोई बिजनेस करते हैं तो उनके पैसे डॉलर में बढ़ते हैं, तो वो करेंसी जो है ना कन्वर्ट होकर चले जाती है उसमें डॉलर में। तो हमारे मुल्क की मईशत तो इस तरह से ख़राब हो रही है। कारोबार कर करके जो है ऊपर से ऊपर चला जा रहा है और जो यानी कि जो मुलाजिम तबका है वो गरीब से गरीब तर होते जा रहा है। मसला ये है कि महंगाई बढ़ गई है। मैं आपको ये बताऊं कि मेरा खुद का कहना ये है कि आज से एक साल पहले मैंने खुद जो है इम्तियाज़ सुपरमार्केट से 17,000 रुपये का सामान खरीदा था। आज वो सामान जो है 32,000 से 33,000, 34,000 रुपये तक के पहुँच गया है। मेरी खुद की ख़रीदारी बता रहा हूँ मैं आपको। भाई अगर मेरी सैलरी कोई 1 लाख रुपये थोड़ी है या 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपये मेरी तनख्वाह थोड़ी है जो मुझे महंगाई का एहसास नहीं हो रहा। महंगाई का एहसास इस हद तक हो रहा है कि के इलेक्ट्रिक का यूनिट जो है 16-17 रुपये का था, आज वो जो है 30-40 रुपये टैक्सेस लगने के बाद पहुंच चुका है। फिर उसमें जो है टीवी का बिल, उसमें रेडियो का बिल अभी एक ऐड हो गया है और उसके बाद फर्दर टैक्सेस, अदर टैक्सेस, ओवर बिलिंग टैक्सेस, कौन कौन से टैक्स लगा दिए गए हैं। अगर आप चेक करें कि बिजली का यूनिट का बिल, अब 100 यूनिट का रेट कुछ और है, 200 यूनिट का रेट कुछ और है, 300 यूनिट का रेट कुछ और है, तो जैसे जैसे बंदे की बिजली यानी कि बढ़ती जा रही है उस पर रेट कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़े जा रहा है। अगर आप मुझे ये बता दें कि महंगाई के दौर में मैं कैसे ऐसे गुजारा करूं, क्या मेरी सैलरी इस टाइम पे $1,000 की मालियत की पाकिस्तानी करेंसी में मालियत के मुताबिक है? क्या 50,000-60,000 रुपये कमाने वाला जो है वो अपने यानी कि बिजली का बिल, अपने गैस का बिल, अपने पानी का बिल और अपने यानी कि ग्रॉसरीज़ वगैरह के आइटम वगैरह के अखराजात और दवाई दारू के, ये 50-60 हज़ार रुपये में इंसान गुजारा कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो प्लीज़ उसके बारे में सोचा जाए। मज़दूर की तनख्वाह मेरे नज़दीक जो है $1,000 मालियत की यानी कि जो है पाकिस्तानी करेंसी में होनी चाहिए ताकि महंगाई का एहसास लोगों को कम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हमारे पास जो है 32,000 रुपये जो है मज़दूर की तनख्वाह लगा दी गई है, सरकारी हो या सरकारी खाते में, लेकिन ये बताएं कि प्राइवेट में क्यों नहीं मिल रही। अभी भी मैं आपको मुलाजिम दिखा दूं, अगर मैं आपको साबित कर दूं, वो बोलेगा अपने मुंह से कि 24,000 रुपये मुझे मिल रहे हैं। मैंने उनसे बोला कि भाई महंगाई इतनी बढ़ रही है तो इस पर भी हमारे ऊपर भी कुछ करें। बोल रहे हैं अभी करेंगे। अबे कब करोगे, जब बंदा भूखा मर जाएगा तो उसके घर पर उसकी ज़िम्मेदारी, उसने तो अभी तक शादी तक नहीं की है, तो उसका ये सूरत हाल है। वो अपने वालदैन की कफालत कर रहा, अपने वालदैन की देखभाल कर रहा है, बूढ़े वालदैन का। लेकिन मुझे ये पूछना है कि महंगाई के दौर में क्या करें 24,000-25,000-30,000 रुपये वाला, 32,000 रुपये वाला। लेबर मिनिस्टर साहब, उनके लेबर मिनिस्टर और कॉमर्स मिनिस्टर से मेरी गुजारिश है, आप या तो इस तरह की हिकमत अमली तैयार करें कि एक बंदा, एक मज़दूर की तनख्वाह $1,000 की मालियत के मुताबिक पाकिस्तानी करेंसी में हो, या फिर जो है उसके लिए सब्सिडी प्लान निकालिए।
क्योंकि जाहिर सी बात है कि सरकारी इदारों में जिस तरीके से काम होता है, जिस तरीके से कार्रवाई होती है, भाई मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। आज अगर कल प्राइवेट सेक्टर से मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं क्या करूँगा? क्या सरदार शाह साहब या सईद गनी साहब मुझे नौकरी दिलवा देंगे कि 60-70 हज़ार 80 हज़ार रुपये की, कि मैं अपना घर का गुजारा कर लूँ, अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर लूँ? क्या ये पॉसिबल है? तो तमाम सिंध के सरकारी इदारों से और फेडरल के सरकारी इदारों से मेरी गुजारिश है, और जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है, सियासतदानों से मेरी गुजारिश है कि काइंडली एक ऐसी हिकमत अमली तैयार करें, असम्बली में कोई ऐसा बिल पास करें, उन्हें इन्फॉर्म प्राइवेट गवर्नमेंट प्राइवेट इदारों को, फैक्ट्रीज़ को, कारखाने वालों को बाकायदा एक लेटर जारी होना चाहिए कि अब इन्फ्लेशन का दौर है, हालात बहुत ख़राब है, माशी हालात मुल्क के तबाह हो रहे हैं और मुल्क की जो मईशत जो है तबाह हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को जो है प्राइवेट इदारों से नौकरियों पर से ना निकाला जाए, बल्कि उनका जो रोज़गार मुकर्रर किया गया है 32,000 32,500 रुपये या 33,000 रुपये उन्हें दिया जाए, और उनके लिए जो है मज़ीद हिकमत अमली तैयार करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को आगे रिलीफ मिल सके। ताजर बिरादरी जो है उनके पास कारोबार जो है आजकल जो है बहुत कम हो चुका है, जिसकी वजह से ताजर बिरादरी भी खुद परेशान है, और ताजर बिरादरी जो है वो टैक्सेस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो सब्सिडी प्लान जो है, या तो ताजर बिरादरी के सब्सिडी प्लान किया जाए, या तो फिर जो है मजदूर तबका के लिए जिनकी तनख्वाह जो है 60,000 से कम है, आज के ज़माने में 70,000 से कम है, उनके लिए सब्सिडी प्लान होना चाहिए, आवाम के लिए सब्सिडी प्लान होना चाहिए, क्योंकि वो अब जो है आज के ज़माने में अगर कोई यानी कि मैं आपको कहता हूँ कि अगर मैं यानी कि बैंक से किसी को अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहा होता हूँ 10,000-20,000, तो उसमें मेरा टैक्स कट रहा होता है, तो टैक्स तो मज़ीद कटे ही जा रहा है, टैक्स बढ़े जा रहे हैं, लेकिन सब्सिडी प्लान नहीं है। अब वही बात है ना कि 80 रुपये की चीनी जो है 150 रुपये पहुँच चुकी है, और आटा जो है तकरीबन वो 100 से ऊपर चला गया है, तकरीबन जो है इस तरह के हालात चल रहे हैं। 80 रुपये किलो वाला आटा जो है वो 130-140 रुपये या 150 रुपये भी बिक रहा है, तो हालात जो है मज़ीद ख़राब से ख़राब तर हुए जा रहे हैं, और हम जो है अपने जो है मईशत को जो है बेहतर करने की बात किए जा रहे हैं, और जबकि मईशत बेहतर नहीं हो रही। कभी वर्ल्ड IMF से कर्ज़ा ले लिया जाता है, उसमें कहा जाता है कि IMF की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया, लेकिन ग्रे लिस्ट से निकल रहा है तो महंगाई कम क्यों नहीं हो रही? सबसे बड़ा मसला ये, डॉलर कुछ थोड़ा बहुत नीचे आता है उसके बाद फिर बढ़ जाता है डॉलर। रशिया से ऑयल लेने क्रूड ऑयल आया, वो भी 2-3 जगहों से होता हुआ आया, तो उसकी वजह से हमें बहुत महंगा पड़ा। तो मसला ये है कि फिर या तो फिर ईरानी पेट्रोल हमसे ईरान से ख़रीद लिया जाए, वो हमें और सस्ता पड़ेगा क्योंकि हमारे बराबर में। तो इस तरह से जो है हमें अपनी मईशत पे काम करना है, गवर्नमेंट को हमें मईशत पर काम कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट भी उस तरीके से करती हुई नज़र नहीं आ रही है। अभी चंद दिनों में जो है हुकूमत चले जाएगी, MNAs MPAs ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा इलेक्शन की तैयारियाँ होंगी, दोबारा इलेक्शन होंगे, लेकिन जो है आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम नहीं किया जाएगा, जिसके लिए जो है मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं अपने मुल्क के अंदर रहता हूँ और मैं अपने मुल्क में ही रहना चाहता हूँ, मैं अदर कंट्रीज़ फॉरेन कंट्रीज़ में जाके जॉब नहीं करना चाहता, फॉरेन कंट्रीज़ नहीं जाना चाहता, लेकिन मसला ये है कि हमारे मुल्क की मईशत को क्यों नुकसान पहुँच रहा है, और क्या हमारे मुल्क में डॉलर की इतनी शॉर्टेज हो रही है जिसकी वजह से डॉलर 280 के करीब पहुँच गए? तो इसलिए जो है मुल्क को जो है बेहतर करने के लिए जो है इकदाम करने चाहिए, और जो कि इकदाम नहीं हो रहे हैं, और हम जो है बहुत मुसीबत और परेशानी का शिकार हैं, आवाम तबाही की जानेब बढ़ रही है। आटा जो है 100 रुपये से ऊपर जा चुका है, 120-130 रुपये से भी ऊपर जा चुका है, और कराची में आटा बहुत महंगा, सिंध के अंदर आटा बहुत महंगा मिल रहा है, मतलब कराची में ख़ासतौर पर सबसे ज़्यादा महंगा आटा मिल रहा है, और फिर जो है हमारे लिए कोई सब्सिडी प्लान नहीं है, जिसकी वजह से हम जो है तबाही की जाने पड़ रहे हैं। तो मुल्क को तबाही से बचाने के लिए, मईशत को बेहतर करने के लिए एटलीस्ट आवाम को भी तो सब्सिडी दी जाए। शुक्रिया।